साथियों, आप सब मीडिया बंधुओं का स्वागत है आम आदमी पार्टी के ऑफिस में। आज की जो प्रेस वार्ता है, जिस तरह हमारा शिक्षा का स्तर जो है वो जम्मू कश्मीर में नीचे गिरता जा रहा है, अगर मैं बात करूं सरकारी स्कूलों की, तो सरकारी स्कूलों में आज उनके हालात देखे जाएं तो आए दिन आपको खबर मिलती है कि कई रूरल एरियाज में, कई सरकारी स्कूलों में बाथरूम नहीं है, कई सरकारी स्कूलों की छत जो है वो बारिश में टपकती है, और सरकारी स्कूलों का जम्मू कश्मीर में एक भी स्कूल ऐसा नहीं जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दिल्ली मॉडल के बराबर हो, जिस तरह अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली में स्कूल बनाए। क्यों भाजपा की 8 सालों से अप्रत्यक्ष सरकार जो है वो इस तरफ ध्यान नहीं दे पाई? क्यों हमारे बड़े बड़े बाबू लोग, हमारे एलजी साहब जो पूंजीपतियों के स्कूलों में जाकर रिबन काटते हैं, वो क्यों नहीं चाहते एलजी साहब कि 370 टूटने के बाद भी राइट टू एजुकेशन जो है वो इंप्लीमेंट हो? क्या ये बाबू लोग ये नहीं चाहते जो रिबन काटने जाते हैं कि गरीबों के बच्चे भी जो है वो बड़े स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े? और साथ ही साथ में अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करूं, पूंजीपतियों के स्कूलों की बात करूं, तो एक भी ऑर्डर एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये लोग नहीं मानते। मैं आज की ही बात करता हूं कि आज विंटर वेकेशन हर एक स्कूल में पड़ चुकी है, डायरेक्टर एजुकेशन का ऑर्डर है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को आज 1 बज चुके हैं, लेकिन इतनी धुंध है बाहर, तब भी छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में जबरन बुलाया जा रहा है, ये ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे। और यहां से पता चलता है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो टोटल विफल हो चुका है। मैं बाकी बात करूं, यूनिफॉर्म का नेक्सस, ट्रैक सूट मनमानी दुकानों पे मनमाने दामों पर बेचा जा रहा है, पर्टिकुलर शॉप पे। कुछ स्कूल तो अपने ही स्कूलों में सेल कर रहे हैं। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो गहरी नींद में सोया हुआ है, एलजी साहब को उसको भी जगाने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं कि 18/3/2019 में एक ऑर्डर आता है कि 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज हुई है विद 9% इंटरेस्ट लगाकर पेरेंट्स को वापिस हो, तो उसके ऊपर मैं बात करूं तो वो भी एक्स पार्टी स्टे लेकर बैठे हैं, जबकि एक छोटा सा एक्स पार्टी स्टे सरकार चाहे तो 2 मिनट में विकेट करवा दे, सरकार की वहां पे सिर्फ पेशी चाहिए, लेकिन एलजी साहब उस तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे, एजुकेशन डिपार्टमेंट उस तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा, जबकि पेरेंट्स को करोड़ों रुपया वापिस हो सकता है। तो यहां से पता चलता है कि शिक्षा का स्तर जो है वो ऊपर उठाने के बजाय बिल्कुल नीचे गिराया जा रहा है, जबकि अरविंद केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शिक्षा प्रणाली को, शिक्षा के स्तर को इस तरह ऊंचा किया कि आज वहां के गवर्नमेंट स्कूलों में स्विमिंग पूल तक है, स्मार्ट क्लासेस तक है, जहां पे बच्चे राइट टू एजुकेशन के हिसाब से प्राइवेट स्कूलों में भी 25% फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। वहां पे एक स्कूल ने फीस इंक्रीज करने की कोशिश की, डीपीएस स्कूल ने दिल्ली में, तो उनके स्कूल की मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई। तो जम्मू कश्मीर में ऐसा एक्शन क्यों नहीं? क्यों जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी के ऑर्डर जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होते? क्यों जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी को जो पूंजीपतियों के स्कूल नहीं मानते? तो इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है एलजी साहब को, और एलजी साहब से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी ये डिमांड रखती है कि राइट टू एजुकेशन जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए, और जितने भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के हैं, जितने भी ऑर्डर हाई कोर्ट के हैं, जितने भी ऑर्डर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, उनको इंप्लीमेंट किया जाए। धन्यवाद।